कर हेलो सकते हैं। गाइस, मैं मोना सिंह। देखो, आज मेरी सारी फ्रेंड्स आई हैं क्योंकि हम दिवाली पे नहीं मिले थे अच्छे से, तो आज सब लोग आए हैं। तो देखो, आज हम हाय कर रहे हैं इंजॉय। हाय, देखिए, और हम कर रहे हैं पार्टी, दिवाली दिवाली पार्टी। पार्टी। देखिए गाइस, हम लोग खा रहे हैं समोसे, समोसा टी पार्टी। और समोसा पार्टी हो रही है आज हमारी। और अभी हम फिर चाय बनाएंगे, इसके बाद आएंगे हम फिर से। उसके बाद खा के तुमसे बात करेंगे। अब रहा नहीं जा रहा समोसा देखकर समोसा देखकर। देखो, पानी आ सब गया मुंह मुंह में आ रहा है में। सबके पानी। तो अब हम तुमसे बात करेंगे तब जब हम अपना समोसा फिनिश कर देंगे। देखिए गाइस, देखो गाइस, ये सब लोग ना जाने के लिए कह रहे हैं, और मतलब सब कुछ ना कुछ कुछ बना के लाती हैं। और ये लाई हैं केक, ये केक बहुत अच्छा बनाती हैं। अभी मैं आपको केक के दर्शन कराऊंगी। ये मिठाइयां बहुत अच्छी बनाती हैं और अपने हस्बैंड के साथ मिलके और ये भी खाना बनाने में बहुत तेज है, खासकर दाल चावल, क्योंकि पिथौरागढ़ में दाल चावल बनते हैं और ये साउथ की है, इडली डोसा मस्त बना। इडली डोसे से और बनते हैं और भी बहुत कुछ और क्या बनाती चाहिए है। बोलो, मैं हाँ, बना मतलब ये के उधर का पूरा जो खाना बनता है ना, वो बहुत टेस्टी बनाती है। हालांकि खिलाती नहीं है ये। और देखो केक कितना खूबसूरत है, मैंने फ्रिज में रख दिया है और मेरे बच्चे आके देखना कितना खुश हो जाएंगे कि आंटी केक लाई है और बहुत बहुत खुश हो जाएंगे कि आज जो मम्मी की सारी फ्रेंड है ना, कुछ 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 बना के लाए हैं। ये देखिए, केरला में जो रहती है ना, उन्होंने बनाई है, वो उनकी पोस्टिंग यहाँ है। तो जो आज मेरे पास आई थी ना मेरी फ्रेंड, ये केरला की डिश है और गुड़ और ये चावल की बनी है। देखिए, बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे हैं, खाने में बड़े टेस्टी लग रहे हैं। और देखिए, ये लाई हैं जो पहाड़ में रहती हैं, पहाड़ की हैं वो रहने वाली, और ये बेसन की, इसको चकली बोलते हैं उधर, वो लाई हैं। और ये लाई हैं जो बिहार की हैं, वो पेड़े बना के लाई हैं और काजू कतली बना के लाई है। देखिए गाइस, और बहुत अच्छे बने हुए हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। देखिए, मैं लेती हूँ इनका स्वाद और मेरे साथ हो जाइए शामिल। बुरा लग रहा है कि ये सारी की सारी अब जा रही हैं, देखो, और मान नहीं रही हैं, मतलब रुक नहीं रही हैं। बाद में देंगे, शाम को, ये कल कल देंगे। हाँ हाँ, एक साथ देखो बर्तन मांग रही है। औरतों की आदत होती है ना, अपना बर्तन नहीं छोड़ती है बेचारी, क्या करें। हम ना मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होती है, खाने से ज्यादा हमें बर्तन चाहिए होता है कि कहीं टिफिन कोई हमारा रखना ले नहीं, वाकई अगर औरतों को ये कह दो ना कि भाई अपना टिफिन यहीं दे जाना, तो वो खाना भी नहीं देंगी, कहेंगी ये तो टिफिन रखने की बात कर रही है, हम इसको खाना नहीं देंगे। उन्हें बर्तन बड़े प्यारे हो जाते हैं, खासकर हम मिडिल मिडिल लेडीज जो रहती है, मिडिल क्लास वाले। नहीं, ठीक है गाइस, बाय। मैं अपने फ्रेंड्स को कर रही हूँ विदा और आपसे करूंगी बाद में बातें। थैंक यू सो मच।